तो फाइनली आज हमारे पास आई है थार और इसके अंदर क्या क्या काम किया हुआ, धमाल मचाई हुई मार्केट के अंदर भैया ने। भैया खुद ही बताएंगे, भैया बताओ आज क्या क्या काम किया इस गाड़ी के अंदर। भैया ये जो सामने आप गाड़ी देख रहे हैं 2023 महिंद्रा थार और ये गाड़ी एक महीना पुरानी है। इस गाड़ी में हमने टेल लैंप अपग्रेड करे हैं, रियर बम्पर लाइट अपग्रेड करी है और उसके साथ साथ इंटीरियर का काम करा है, हेडलाइट टेल लाइट सारा कुछ अपग्रेड करा है। इंटीरियर का काम दिखाओ तो भैया, इंटीरियर दिखाओ इसका। इंटीरियर में भैया हमने सबसे पहले अगर दो ट्रिम से शुरू करें तो इसके दो ट्रिम रेड कलर के पेंट करें, इसमें एम्बिएंट लाइटें लगाई हैं जो भी कलर चेंज है। उसके अलावा हमने सीटें बनाई हैं इसकी, इसमें फैब्रिक वाली सीटें आती हैं, ये हमने लेदर में अपग्रेड करी हैं। उसके साथ साथ स्टेयरिंग बनाया है इसका टू टोन में लेदर में, और ये अपना इसके साथ AMG वाली ग्रिल अपग्रेड करी है इसमें। ये AMG वाली है ना? हाँ जी, ये पूरी भाई में भी लाइट है। आप अच्छा, ये देखो इसके अंदर लाइटें जल रही हैं पूरी। हाँ अच्छा, ये तो ये चारों की चारों ग्रिल जो है ना भैया ने चेंज कर दी है गाड़ी की, और इससे अच्छा लुक बहुत प्यारी आ रही है। स्पीकर ग्रिल्स हैं, ये भी रेड कलर की होंगी, ये फिटिंग खुल रही है अभी। अच्छा, ये भैया अभी काम कर रहे हैं ऊपर, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत इसके अंदर काम है अभी करने वाला है, गाड़ी कंप्लीट नहीं है, थोड़ा काम रहता है। और लेकिन इसी काम के अंदर अभी थोड़ी वॉशिंग होगी, एक बार रबिंग पॉलिश होगी तो गाड़ी होनी है, गाड़ी की डिटेलिंग होनी है, इंटीरियर क्लीन होना है, बाहर से बॉडी पूरी डिटेल्ड होगी। उसके अलावा ही गाड़ी बहुत प्यारी लग रही है। उसके अलावा ये गाड़ी आगे से ना एक्सीडेंट भी थी यहाँ से। अच्छा, ये गाड़ी एक्सीडेंटल थी, एक्सीडेंट नहीं था। उसकी वीडियो भी हम लगा देंगे इसके अंदर, वीडियो में आपको दे दूंगा। हाँ, थोड़ा बहुत इसके अंदर एक्सीडेंट था, वो भी कवर हो चुका है। फ्रंट बम्पर पे थोड़े से स्क्रैचेस हैं, ये भी जो है ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा ये लाइटें चेंज करी है, मेरे कंपनी से आती है, उसमें व्हाइट LED नहीं होती। अच्छा, इंडिकेटर होता है इसमें व्हाइट LED है, और उसके अलावा इसकी व्हाइट LED जलवाओगे? हाँ हाँ भैया, जला के दिखाना कैसी लग रही है भाई। भाई मेरे हिसाब से तो 10/10 इसको मिलना चाहिए, भाई की जो मतलब क्वालिटी है ना काम करने की, एक नंबर है भाई। ये इंडिकेटर ऑन करते हैं तो इंडिकेटर जलता है, उसके बाद LED परमानेंट है। अच्छा, ये जैसी गाड़ी स्टार्ट होगी LED जल जाती है, वही सेम चीज़ हेडलाइट में भी है। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया गाड़ी है भाई। भाई ने मतलब तैयार कर रखी है, काम वाम सारा करा रखा है इसका प्रॉपर। तो और कुछ काम रह रहा है इसके अंदर? इसमें भी अभी एक तो जैसा कि अंदर लड़का काम कर रहा है, स्पीकर ग्रिल्स पेंट होनी है। हाँ, इसके अलावा फ्रंट बम्पर रहता है, फ्रंट बम्पर का अभी डिसाइड नहीं करा हमने कि फ्रंट बम्पर इसमें रैंगलर वाला लगाएं या बम्पर यही रहेगा, वो भी डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर। अगर कस्टमर बोलते हैं बम्पर चेंज करना है तो हम बम्पर चेंज करेंगे, अदरवाइज ये बम्पर भी पेंट कर देंगे। सही है सही है। तो मतलब टोटल अपना कहने का मतलब अपने पास जितनी भी गाड़ियां आती है सारी आप रेडी करके देते बिल्कुल, हो? बिल्कुल बिल्कुल भैया, बॉडी इंटीरियर लाइटिंग वाइटिंग सारा कुछ करते हो। सो मैं भी एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगा कि भैया के पास मैं आया था गाड़ी लेके और आता रहता हूँ हमेशा, तो मतलब थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और भैया का ये कि मतलब काम बहुत साफ सुथरा और बहुत बढ़िया काम है। तो अभी कुछ दिनों से भैया के चैनल पे जो है ना वीडियोस नहीं ये डाल रहे, पहले शॉर्ट वीडियोस डाल रहे थे आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया वीडियोस नहीं डाल रहे, तो मैंने आज भैया को फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है। हाँ, तो मैंने अपने फोन से पकड़ लिया भैया को, मैं कहा भैया आज मेरे फोन से वीडियो बनाते हैं, भैया का व्लॉग बनाते हैं, और मैं कहा भैया को थोड़ा सा वो है ना मोटिवेशन देनी चाहिए अपने, अगर यूट्यूबर भाई मिल जाए तो मैं भैया को थोड़ी मोटिवेशन देने के लिए मैंने कहा भैया आपकी वीडियो बनाएंगे। और भैया आपके हाथ पे क्या होगा ये भी तो बताओ। ये भैया मेरे हाथ पे ना मतलब एक छोटा सा एक्सीडेंट ही हो गया। बाकी तो भैया अपना ख्याल रखो, ठीक है, और थोड़ा काम सेफ्टी से किया करो। और भाई भैया के चैनल की जो जो वीडियोस देख रहा है, भैया के चैनल की वीडियोस लाइक कर देना, चैनल के नीचे आके कमेंट कर देना वीडियोस के, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भैया मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, इसमें जो हमने लाइटें लगाई हैं, हेडलाइट हो टेल लाइट हो या बम्पर की लाइट हो, मार्केट का तो मुझे पता नहीं कोई वारंटी देता है या नहीं देता, बट हम इन लाइटों की भी ना 1 साल की वारंटी देते हैं। और इंटीरियर जो कराए ना, लेदर सीटें करी हैं, उनकी भी वारंटी है। जैसे आपने कुछ गाड़ियों में देखा होगा कुछ टाइम बाद ना यहाँ पे क्रैक आना शुरू हो जाता है सीटों में। हाँ, यहाँ पे ना क्रैकिंग आने लग जाती है। इन सीटों में वो चीज़ नहीं आएगी, अगर वो आती है तो उसकी पूरी गारंटी हमारी है। आप 6 महीने बाद साल बाद कभी भी कोई प्रॉब्लम, आप चेंज करके गाड़ी लेकर आओ, बिल्कुल बिल्कुल वो फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे। इसके अलावा ये लाइटें हैं, इन सब चीज़ों की मतलब वारंटी है, जितना भी इसमें सामान लगाया ना वो सारा जेन्युइन कंपनी का ही लगा। वाकई में जो ना मतलब जब थार कंपनी से निकल के जब आती है ना तो उसकी कंडीशन कुछ और ही होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ पे आके थार बनती है, एक्चुअली में ये थार है दिखने वाली, ठीक है, जो लोग मतलब पसंद करते हैं अपने डिजाइन से काम वाम करवाते हैं, और अपने चॉइस के ऊपर भी वो है कि मतलब कोई भी अपने चॉइस से काम करवा सकता है। कोई ये नहीं कि भैया रेड कलर में ही काम करते हैं, जैसे आप बोलोगे वैसा ही काम करेंगे। बिल्कुल भैया, आप बोलोगे लाइटें लगानी है लगाएंगे, मना करोगे नहीं लगाएंगे, मतलब सब कुछ ना कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, कस्टमर जैसा बोलेगा, जैसी गाड़ी तैयार उन्होंने करानी है वैसे। और जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पे आने की जरूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से, आप भैया के साथ ऑनलाइन कॉन्टेक्ट कर लो अपना, ठीक है। बिल्कुल भैया, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटीज है। हाँ, आपकी गाड़ी घर से उठाई जाएगी, आपकी गाड़ी घर पे रेडी करके छोड़ी जाएगी, ऑनलाइन पेमेंट आप लोग कर सकते हो, इजी काम है अपना, बिल्कुल ज्यादा टेंशन देने वाला काम ही नहीं है कस्टमर को। सो चलो आज की वीडियो कहीं पे खत्म करते हैं भैया, ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय कर दो सबको। बाय।